गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस गन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इट इज ग्लोबल स्पोर्ट्स एयर पिस्टल स्विंग। इसे ऑर्डर कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर जाइए airsoftgunindia.com, उस पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो क्या है ये, ग्लोबस कंपनी है। ग्लोबस कंपनी आप जानते हैं काफी पुरानी कंपनी है, काफी स्ट्रांग कंपनी है। 1966 में इसका संगठन स्टार्ट हुआ था। और ये जो गन है ये सिंगल शॉट है, इंडियन एयर गन है, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस पे देख सकते हैं नो लाइसेंस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस पावर ऑफ द आई, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, हेल्प इन टारगेट प्रैक्टिस। वार्निंग भी दिया है, डू नॉट एम एट ह्यूमंस बर्ड और एनिमल, तो इनके ऊपर जो है एम मत करिए। और ये है गन गाइस, ये वुडन ग्रिप में है आप देख सकते हैं, और ये काफी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, सुंदर है, कॉम्पैक्ट है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो चलिए लंबाई चौड़ाई आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई है रफली 23.5 सेंटीमीटर ये लंबा है, और चौड़ाई है रफली 12.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो मेरे पास एक वेइंग मशीन है, इसका वेइंग मशीन पे इसका वेट कर लेते हैं। वेइंग मशीन पे इसका वेट रफली 635 ग्राम आ रहा है, मतलब ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ना बहुत ज़्यादा हल्का है। अब इसे लोड कैसे करते हैं, यहाँ पे आप एक जर्क देंगे और इसको पुश करेंगे नीचे। जब तक पूरा पुश नहीं करेंगे तब तक ये लोड नहीं होगा, तो ये काफी थोड़ा टाइट होता है। इंडियन एयर गन्स ऐसी ही होती हैं, और ये पैलेट डलता है इसके अंदर, है ना, और ये निकलता है। तो ये इतना ज्यादा जो है अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये पिचक भी जाता है, तो थोड़ा इसका ध्यान देना है। और एक बार जब ये चल जाए बुलेट तो दोबारा इसके अंदर वो लोड नहीं करना है, हमेशा नया इस्तेमाल करना है, नहीं तो गन आपका खराब हो सकता है। अभी मैं इसको खाली चला रहा हूँ, जनरली इसे खाली नहीं चलाना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका ट्रिगर जो है दबाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आवाज़ देखा आपने काफ़ी सॉलिड किया। आप चाहें तो इसके आगे कॉर्क भी डाल सकते हैं तो और आवाज़ करेगा। अगर आप खेत वेत में यू नो बर्ड वर्ड को भगाना चाह रहे हैं, अगर कोई जानवर घुस गया है उसे भगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऑर्डर आपको मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, वरना स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए मंडे से लेकर सैटरडे तक, या फिर हमें व्हाट्सएप करिए। और अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो इसका प्राइस है ₹2650। हो सकता है जब आप ये वीडियो अगर 2-3 साल बाद देखें तो इसका प्राइस चेंज हो जाए, बट अभी ये प्राइस है। बाकी आप हमारे वेबसाइट पर जाइए airsoftgunindia.com। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।